हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप? युविका बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस और ईवीएस का स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। आज है सैटरडे, तो कोशिश करते हैं कि अपना ये जो चैप्टर है इसे आज हम कंप्लीट कर दें और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रूट्स जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती हैं। तो आप लोग बताओ, आप बच्चों ने चेक किया? मैंने आपको बोला था प्रैक्टिकल करके देखना। रूट्स देखी आप बच्चों ने? देखी क्या? देखी टैप रूट मिली आपको कोई? टैप रूट जो बिल्कुल सीधे 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 मिट्टी के अंदर होती है, और जो फाइब्रस होती है वो ऐसे नीचे जा कर के उसके जो है बहुत सारी उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, एक में से दो तीन पांच ऐसे करके खूब सारी ब्रांचेस उसकी बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने रूट्स के बारे में पढ़ लिया है और मैंने आपको ये भी बताया था कि रूट्स क्या करती हैं। रूट्स एक तो जो वाटर होता है उसको जो है अपने अंदर सोख कर एब्जॉर्ब करके स्टोर रखती हैं ताकि पौधों को लंबे टाइम तक पानी की कमी ना हो। दूसरा, जो मिनरल्स होते हैं उन्हें पौधों तक पहुंचाती हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम पौधों में खाद डालते हैं वैसे ही पौधा हरा भरा सुंदर हो जाता है। बताया था ना आपको, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो खाद हमने डाली है वो मिट्टी में मिलती है, और मिट्टी में नीचे क्या होती हैं? पौधों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। तो रूट्स जो होती हैं वो उसमें से अच्छा अच्छा मटेरियल एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट को दे देती हैं रूट्स के जरिए, है ना। और प्लांट जो होते हैं वो बिल्कुल सुंदर हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स, रूट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है? द रूट्स होल्ड द सॉइल टाइटली एंड स्टॉप द ट्री फ्रॉम फॉलिंग डाउन। पहली बात कि जो पौधा है उसकी रूट्स उसके लिए क्या वर्क करती हैं? सबसे पहला वर्क करती हैं कि वो पौधे को, पेड़ को क्या करके रखती हैं? होल्ड करके रखती हैं। आप देखते हो ना कि कितनी भी तेज आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, लेकिन जो पौधा है, पेड़ है, वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं, रूट्स ने उसे नीचे से क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। ठीक है, इसलिए जो पौधे पेड़ होते हैं वो बारिश से, हवा से गिरते नहीं हैं। हाँ, तो पहला काम क्या है? मैम आपने कल होमवर्क दिया था, हमने नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई बात नहीं है बच्चों, क्वेश्चन सेकंड आपने नहीं लिखा था, आज मैं अगेन उसे राइट कर दूंगी। ठीक है राहुल? हाँ, मैं अगेन राइट कर दूंगी। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, तो रूट्स का पहला वर्क क्या है? होल्ड द प्लांट। कि रूट का वर्क होता है कि प्लांट को होल्ड करके रखना, हवा में, बारिश में उसे गिरने नहीं देती हैं रूट्स। सेकंड क्या है? रूट्स हैव टिनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। ये जो रूट होती है, ऐसे रूट होती है, इसमें छोटे 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 ऐसे हेयर्स होते हैं, वाइट हेयर्स, बिल्कुल टिनी टिनी हेयर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दे एब्जॉर्ब मिनरल। ये क्या करते हैं? मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और साथ में क्या करते हैं? पानी को स्टॉक रखते हैं, वाटर स्टॉक कर लेते हैं, है ना, वाटर का स्टॉक कर लेते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और किसको देते हैं? प्लांट को दे देते हैं। ठीक है,
हैवी रेन एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉश और ब्लो अवे द टैप सॉइल। बच्चों क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है या तेज बारिश होती है तो आप देखते हो तेज हवा में आंधी में मिट्टी उड़ने लगती है, उड़ती है ना, मिट्टी उड़ती है। अगर पेड़ के पास से मिट्टी उड़ती जा रही है, मिट्टी उड़ती जा रही है तो नीचे क्या होगा, उसकी जड़ें बाहर निकल जाएंगी। लेकिन जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, पेड़ को होल्ड रखती हैं, पौधों को होल्ड रखती हैं, उन्हें गिरने नहीं देती हैं। क्योंकि जो ये जड़ें होती हैं इन ऐसे फैली होती हैं, ऐसे फैली होती हैं, तो ये क्या करती हैं, मिट्टी को अपने अंदर जकड़े रखती हैं, ऐसे पकड़े रखती हैं मिट्टी को अपने अंदर। तो चाहे ऊपर से कितनी भी मिट्टी उड़ जाए लेकिन यहाँ से जो मिट्टी होती है उसे जड़ें उड़ने नहीं देती हैं। पानी जो आता है बारिश का वो नीचे जाकर यहाँ ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन यहाँ से जो मिट्टी होती है उसको बाहर निकलने नहीं देती हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। रूट्स बाइंड, जब मिट्टी का पानी या हवा से कटकर बह जाना, उड़ जाना क्या कहलाता है बच्चों, सॉइल इरोजन। क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। मिट्टी हवा से जैसे उड़ उड़ कर एक जगह बिल्कुल खाली हो जाती है, मिट्टी वहाँ से सारी उड़ जाती है, या बारिश होती है तो बहुत सारी मिट्टी का कट जाना, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना पानी की वजह से या आंधी हवा की वजह से, क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो रूट्स क्या काम करती हैं, प्लांट्स को, ट्रीज को सेव करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं सॉइल इरोजन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल रूट। स्पेशल तरह की रूट्स कौन सी होती हैं, हैव यू सीन अ बेनियन ट्री, क्या आपने कभी बेनियन ट्री देखा है, देखा है बेनियन ट्री, हाँ, बेनियन ट्री की जो रूट्स होती हैं आपने उसमें देखा है कि जो ट्री होगा वहाँ ऊपर पत्तियों से लेकर के ऐसे उसमें जड़ें लटकी रहती हैं कि जो उसकी ब्रांचेस होती हैं ना वो खत्म ही नहीं होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं वो वापिस आकर के जो है जड़ों का रूप ले लेती हैं, फिर नीचे आ जाती है, रूट्स बनती जाती हैं, है ना। देखो यहाँ पर एक बेनियन ट्री दिखाया हुआ है, इसमें जो रूट्स हैं रूट्स वापस बढ़ते 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 नीचे की तरफ लटक जाती हैं, है ना, बेनियन ट्री। इट हैज रूट्स विच ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस टू सॉइल, ये ब्रांचेस से बढ़ती है, जो ब्रांच होती है ना ट्री है, ऐसे ट्री है और ये इसकी ब्रांचेस होती हैं, एक यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे 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 ये ब्रांच हो गई, एक ब्रांच यहाँ हो गई, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ऐसे ये ब्रांचेस जो होती हैं ऐसे रूट्स का रूप ले लेती हैं, ऐसे नीचे लटकती जाती हैं, ऐसे नीचे लटकती जाती हैं, ये पेड़ है और यहाँ ये लटकती जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हुई ना खास तरह की रूट्स। हाँ बच्चों, सो सच रूट्स आर एरियल रूट्स, ये इस तरह से बेनियन ट्री की जो रूट्स हैं जो इस तरह से ब्रांचेस से नीचे की ओर लटक रही हैं, इन्हें बच्चों क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एरियल रूट्स। क्या कहते हैं इनको, एरियल रूट्स, A E R I A L, एरियल ROTS रूट्स, एरियल रूट्स, इनको क्या कहते हैं बच्चों, एरियल रूट्स कहते हैं। आपने टू टाइप की रूट पढ़ी थी, टैप रूट पढ़ी, फाइब्रस रूट पढ़ी, और अब ये एक रूट है एरियल रूट, ये एक खास तरह की रूट होती है जो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, मोस्टली जो है बेनियन ट्री में मिलती है। प्लांट ऑफ द पंपकिन फैमिली प्रोड्यूस ह्यूज वाटर स्टोरिंग रूट्स, प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड चेरी प्रोड्यूस बर्ड्स अलोंग देयर रूट्स दैट ग्रो नियर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इटसेल्फ। सच रूट्स आर कॉल्ड प्रोपेगेटिव रूट्स, दूसरे तरह की रूट्स हैं प्रोपेगेटिव रूट्स,
जैसे कि स्ट्रॉबेरी प्लांट होता है, चेरी का प्लांट होता है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? बर्ड्स अलोंग देयर रूट्स, इनके रूट से बर्ड्स निकलते हैं दैट ग्रो नियर द सरफेस, जो कि जो सरफेस होता है, मिट्टी होती है, सरफेस पर ये बढ़ते हैं, है ना, ग्राउंड के सरफेस पर बढ़ते हैं और प्लांट की हेल्प करते हैं इन्हें प्रोड्यूस करने में। इस तरह की जो रूट्स होती हैं इन्हें प्रोपेगेटिव रूट्स कहते हैं। पहला हो गया स्पेशल रूट्स पढ़ रहे हैं हम। स्पेशल रूट कौन कौन सी होते हैं बेटा? पहली तो हो गई एरियल रूट। एरियल रूट्स। सेकंड हो गई प्रोपेगेटिव रूट्स। ठीक है, एरियल रूट किस में होती है? एरियल रूट्स होती हैं बेनियन ट्री की। प्रोपेगेटिव रूट्स होती हैं स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी की होती हैं, चेरी की भी होती हैं। ठीक है, थर्ड नंबर होती हैं, अब मैं बताती हूँ आपको थर्ड नंबर। प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, जिनको आप खाते हो, है ना। कैरेट मीन गाजर, रेडिश मीन मूली, बीटरूट मीन वो चुकंदर और टर्निप मीन शलजम, ये सब आप खाते हो ना। और ये सब क्या है बच्चों? रूट्स हैं। क्या हैं ये? रूट्स हैं। स्टोर फूड फॉर द प्लांट इन देयर रूट्स, इनकी जड़ों में एक खाने का फ्रूट लगता है जिसे हम खाते हैं। जैसे आप कैरेट को खा रहे हो, टर्निप को खा रहे हो, बीट रूट को खा रहे हो, है ना। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट। तो इनको क्या कहते हैं? स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज रूट्स कौन सी होती हैं? जो अपनी जड़ में, किसी जड़ में उनके फ्रूट बनता है, है ना, कोई फल बनता है जिसे हम खा सकते हैं, सब्जियां बनाते हो आप, ठीक है ना। तो ये स्टोरेज रूट्स कौन कौन सी होती हैं? कैरेट, रेडिश और क्या होता है? टर्निप और क्या होता है? बीटरूट। बीटरूट, ठीक है। हाँ जी, हाँ ये नोट कर लो बेटा। स्पेशल रूट्स कौन सी होती हैं? एरियल रूट किसकी होती है? बेनियन ट्री की होती है। प्रोपेगेटिव रूट्स कौन सी होती है? स्ट्रॉबेरी और चेरी की। स्टोरेज रूट्स कौन सी होती है? कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट। ये हुई खास तरह की रूट्स। तीन खास तरह की रूट्स होती हैं। ये खास तरह की रूट्स हैं, स्पेशल रूट्स हैं ये। और वैसे अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स, सो यू विल टेल देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। वन इज टैप रूट एंड वन इज फाइब्रस रूट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलो कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से राइट कर दूंगी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन फर्स्ट राइट कर लिया था वो अगेन राइट करने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया है वो बच्चे मेंशन कर लेना, ठीक है। हाँ जी, चलिए रेडी हो जाइए। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसमें आपको क्या करना है? आपको फोर ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन का आंसर फोर ऑप्शन में से एक कर
करेक्ट आंसर को चुन करके देना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला तो है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन को चुनो और आंसर दो। तो फर्स्ट नंबर राइट करेंगे विच ऑफ दीज हैज अ टैप रूट। मैं यहां फोर ऑप्शन लिखूंगी, आपको बताना है किसकी टैप रूट है। ए ऑप्शन है, क्या नीम की टैप रूट होती है? बी, क्या पीपल की टैप रूट होती है? सी, कैरेट की टैप रूट होती है? डी, ऑल ऑफ दीज, इन सब की टैप रूट होती है। तो बताओ टैप रूट किसकी होती है? किसकी होती है टैप रूट? कैरेट की होती है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन राइट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स कैन बी ईटन। नीचे जो मैं रूट्स बताऊंगी, बताओ उनमें से कौन सी रूट को हम खा सकते हैं। तो कौन कौन सी रूट है? ए नंबर ऑप्शन है कैरेट, बी टर्निप, सी है रेडिश और डी है ऑल ऑफ दीज। बताओ किसको खा सकते हो? कैरेट को, टर्निप को, रेडिश, या सबको ही खा सकते हैं? सबको खा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। हम कैरेट भी खाते हैं, टर्निप भी खाते हैं, रेडिश भी खाते हैं, है ना? हाँ जी। चलिए अब क्वेश्चन थ्री नंबर क्या है? ऐसे ब्लैंक है, आंसर बताना है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बच्चों मैंने अभी अभी बताया है, बताओ बताओ कि मिट्टी में से मिनरल को और वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन स्ट्रोक करता है? अभी बताया था ना मैंने, कौन कर लेता है? ऑप्शन ए है फ्लावर्स, बी है रूट्स, सी है लीव्स और डी है स्टेम। तो बताओ कौन एब्जॉर्ब करता है? वेरी गुड, लाविश ने सही आंसर दे दिया है, रूट्स। रूट्स का काम होता है मिट्टी से पानी को और मिनरल्स को स्टॉक करना और प्लांट्स तक पहुंचाना।
तो ये थ्री क्वेश्चन सभी बच्चे नोट कर लो। डी ओ एन ई डन होता है, डी ओ एन ई डन, ठीक है। ऊपर से इरेज करती हूं, यहां से ये तो आपने सभी ने कर ही लिया है, और अब करना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। एक्सरसाइज सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट नंबर लिखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। आप सभी बच्चों को पता है टू टाइप की रूट कौन कौन सी होती है, नंबर वन एंड टू नंबर, ये लिखनी है इसमें कौन कौन सी रूट्स होती हैं। सेकंड नंबर, रूट्स हैव टिनी हेयर्स, जो रूट्स होती हैं उस पर छोटे छोटे से हेयर्स आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कॉल्ड, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। थ्री नंबर, प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्लांट। बच्चों डोमेस्टिक प्लांट क्या होता है, डोमेस्टिक प्लांट होते हैं जो घर पर उगाए जाते हैं, अक्सर घरों में देखे जाते हैं, डोमेस्टिक यानी घरेलू, ठीक है, घरेलू। तो बेटा मैं इनके आंसर बता देती हूँ, ब्लैंक सभी और भी बच गए हैं लेकिन आप इतना ही लिख पाओगे, तो जितना कंप्लीट कर पाओ मैं उतना ही बताऊंगी आपको। यहां पर लिख लेंगे, फर्स्ट होता है टैप रूट्स, और सेकंड लिखेंगे फाइब्रस रूट, ठीक है, और टिनी हेयर्स को क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। और यहां पर घरेलू प्लांट जो घर में अक्सर देखने को मिलता है, तुलसी, ठीक है, तुलसी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जो क्वेश्चन ये यहाँ पर मैंने राइट करवाए हैं, पहला मैंने आपको जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन बताया था, और सेकंड मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताया है। सभी बच्चे इन्हें नोट करें और साथ के साथ आपको इन्हें लर्न भी करना है होमवर्क में, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों।